और बे खुदाए पाक पा सकते नहीं। वो कभी कुर्बे खुदाए पाक पा सकते नहीं। मुस्तफा का इश्क जो दिल में बसा सकते नहीं। हक की खातिर कर दिया ऐलान ये हुसैन ने। हक की खातिर कर दिया ऐलान ये हुसैन ने। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। हर रात एक प्रोग्राम महुआ की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है समाज धर्माइन। हकी खातिर कर दिया ऐलान ये हुसैन ने। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दोस्तों आज जो दुनिया में इस्लाम है ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का सिला है। समाज धर्माइन से चरागे का बजलाया हुसैन ने। बचपन का वादा खूब निभाया हुसैन ने। ऐसी नमाज़ ऐसी नमाज़ कौन पढ़ेगा मोमिनों। सजदा तो सर न उठाया हुसैन। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा ए मोमिनो। सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। पेश कर रहा हूं तमाम हाजरीन से तवज्जो। अल्लाह अल्लाह हो
गले में हार और ये बहुत सारा नगराना इमाम हुसैन के नाम का सदका। दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। एजाज उर्फ अज्जू शेख साहब ये इनकी जानिब से भी 100 रुपए सऊदी माशाल्लाह इमाम हुसैन के नाम का सदका। बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस बात पर छोटे भाई ने फूलों का हार और इमाम हुसैन के नाम का सदका अता किया। मैं शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया। लेकिन सभी हजरात समाज फरमाए। मेरे ख्वाजा पिया आले रसूल अताए रसूल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीदुद्दीन कलजेशकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत निजामुद्दीन औलिया साबिर अलाउद्दीन कलियरी मेरे वारिस पाक तमाम सिलसिला माला अली का घराना मेरे नबी का घराना के लिए। लेकिन ये गब्बर भाई बहुत शुक्रिया। ये माँ बहनों की आदत से भी बहुत सारा नजराना उन्होंने दुआओं से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तमाम बलाओं से महफूज रखे। मैं गब्बर भाई का शुक्रगुजार हूँ। पटनापुर से तशरीफ लाए माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराते हैं। मैं गया हूँ अल्लाह ने हाजिरी कराई है। दुआ करता हूँ कि जो भी हजरत कोटशा बाबा की बारगाह में आज हाजिर हुए हैं अल्लाह सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। सुभान अल्लाह। लेकिन आफताब-ए-रिसालत की
चले वो है बाबा। हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब जो मैं पद पेश करता हूं मौजे समय, बचपन में इमाम हसन हुसैन का मर्तबा, ईद का रोज है, जैसे ही ईद का चांद दिखाई देता है तमाम मदीने शहर में ये शोर हो जाता है कि सुबह तो ईद है। इमाम हसन हुसैन बचपन में अपनी मां हजरत बीबी फातिमा से अर्ज करते हैं कि अम्मी जान सुबह को ईद है, सारे मदीने के बच्चे नए कपड़े पहनकर जाएंगे, हमें कौन से नए कपड़े पहनाओगे। अल्लाहु अकबर, हजरत बीबी फातिमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आए, अल्लाह की रहमत जोश में आई, कपड़े कहां से आते हैं, बचपन में मर्तबा समाप्त फरमाए। हुसैन का मैदाने कारजार में अल्लाह रे नसीब, जैनब तलाश करती है लाशा हुसैन का, वो मुर्दा दिल है जिनको नहीं है गमे हुसैन, वो मुर्दा दिल है जिनको नहीं है गमे हुसैन, अरे जिंदा दिलों में जिंदा है सदमा हुसैन का।
आखिरी बस पर तवज्जो चाहूंगा, हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अकमल कानपुरी अपने नक्शे में क्या कह रहे हैं, समाज समय राजपूत बहुत बेहतरीन शायर अकमल कानपुरी। मैं बहुत सारे कलाम मेरे शरीफ भाई भी जानते हैं कि शुरू से ये कितने कलाम इन्होंने भी पढ़े हैं, सबसे ज्यादा शायद इन्होंने पढ़े होंगे, इनके शहर का मामला है। और मैंने भी बहुत सारे कलाम उनके, ये कलाम भी उनका ही लिखा हुआ है। अकमल कानपुरी मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमाए, वो दुनिया से रुखसत हो गए अभी 4-5 महीने, आमीन, हेलो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। शरीफ भाई सच बोल रहे हैं या इसमें भी घपला है? भाई मुझे आपने बताया और ये यूट्यूब पर चल रहा है हमारे बबुआ वाले भाई, मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज, शरीफ भाई कह रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि वो अल्लाह, मुझे शक हो रहा है कि अल्लाह उनकी उम्र में दराजी अता फरमाए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि सच बोला जाए, तो मैं तो सच ही समझा शायद शरीफ भाई ने सच बोल दिया। हर बार की तरह इस बार भी झूठी बोल रहे हैं, लेकिन खैर अल्लाह उनकी उम्र में दराजी अता फरमाए। बहुत बेहतरीन शायर, बहुत कलाम होते, बहुत कुछ लिखा, तख्ता पेश कर रहा भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें अपना दिमाग जहन और दिल लगाकर सुने, जिससे कि मुझे पढ़ने में आपको सुनने में सवाब मिले। ये महफिल अल्लाह के वलियों की महफिल है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी रिजा, तमाम औलिया इकराम की रूहानी रिजा रही, इसके जरिए इस्लाम की तबलीग हुई। समा फरमाए, तसव्वुर करें, I'm gonna make you mine।